तो आगे हम लोगों का विला। प्रिंस का हालत देखना क्या है, प्रिंस और ऋतिक का हालत देखो। ऋतिक yes. अपना कपड़ा लेके जा रहा है और ये रहा प्रिंस। आपको लग रहा होगा कि व्लॉग यहाँ से स्टार्ट क्यों हो रहा है, इतनी देर तक मैं व्लॉग जो मोटो व्लॉग होता रहा मैं कुछ बोला क्यों नहीं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि तीन बाइक निकले हैं, एक स्कूटी है, दो बाइक है। तो एक जन तीनों अलग अलग जगह पे भटक गए थे, एक किसी और रास्ते पे चला गया, एक किसी और रास्ते पे, और मैं वेट करता रह गया पीछे वाले को, सब पीछे वाले के लिए, क्योंकि मैं बीच में था। तो अभी ये है प्रिंस और सोनाली स्कूटी में, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं मालूम है, हम लोग जा रहे हैं वैदिक विलेज। वैदिक विलेज आज एकदम पुल साइड पार्टी होने वाला है, पूरा धमाल होने वाला है, तो उसकी वजह से हम लोग निकले हैं। तो वैदिक विलेज जो जा रहे, जो रिसॉर्ट है, जो भी बुकिंग हुआ है, सब मैं डिटेल में बताऊंगा। लेकिन पीछे एक और बंदा मेरे को दिख नहीं रहा है, वो उसका बाइक भी पता नहीं चल रहा है वो कहाँ है। तो मेरे को तो लुकिंग ग्लास में दिख नहीं रहा है, खैर कोई बात नहीं। और हाँ, जिस तरीके से आपने लास्ट दो वीडियो में अपने लोगों ने प्यार दिया है, आप लोगों ने जिस तरीके का सपोर्ट, जिस तरीके का जो भी दिखाया ना, जितना प्यार आशीर्वाद जितना भी बरसाया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और नमस्ते सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल, यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये रहे दोनों, हाय। अब मेरे को पता नहीं, मैं तो आगे लीड भी कर रहा हूँ, पीछे होगा प्रिंस और उसके पीछे होगा शायद, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं, जो सबसे पीछे है ना वो कैसे आएगा, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो फ्लाई ओवर पकड़ा हूँ। अब वो फ्लाई ओवर के ऊपर से आए, आई मीन फ्लाई ओवर लेके आएगा या फिर लेकर नहीं आएगा, मतलब फ्लाई ओवर के ऊपर से आएगा या फिर नीचे से आएगा, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तीसरा बाइक जो सबसे पहले लीड कर रहा था, इतना पीछे रह गया था और अभी इतना आगे भाग रहा था कि बोल रहा हूँ भाई साथ में चल, साथ में है, साथ में चल, लेकिन नहीं, ये महाशय को जो है वर्ल्ड कप जीतना है पहले पहले भाग के, इसीलिए अभी प्रिंस सोनाली जो है वो लोग लीड कर रहे हैं और ऋतिक बीच में है और मैं पीछे हूँ। क्योंकि अगर प्रिंस को मैं टेल पे छोड़ रहा था तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो एकदम पीछे रह जा रहा था, इसीलिए मैं बोला कि भाई मैं पीछे रहता हूँ, मैं मेकअप कर लूँगा। विलेज और थके हुए बाइक पे आए, इतना धूप है ना, इतना धूप है कि क्या बोले, पूरा टैन हो गया। देखो मेरे को देख के आप लोग को समझ में भी आ जाएगा कि टैन, पूरा बॉडी पे टैन है, हाथ पे, मुंह पे, जहाँ पे क्लोज नहीं है सारी जगह पे टैन हो गया है। सो फाइनली तो आ गए हैं, अभी तो टाइम है एंजॉय करने का। विक्रम नीचे है, बाकी सब अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। वैदिक तो हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी जो है बाइक हम लोगों ने लगा दिया, आई मीन बाइक जो है पार्क कर दिया है इसके अंदर। हम लोगों का जो विला है वो 728, 729 और 730, और ये हम लोग का विला है। और ये तो मैं दिखा देता हूँ एक बार अंदर जाके, जो बाइक हम लोगों ने लगा, एक्चुअली मैं अभी गया था रिसेप्शन में, हम लोग का और दो विला है, तो ये रहा हम लोगों का बाइक जो है सारा खड़ा है यहाँ पे, और ये हम लोगों का विला, दरवाज़ा खुला ही हुआ है, वाह। ये पूरा विला है और नीचे ये एक रूम है, इसमें शायद प्रिंस है, यहाँ पर राहुल और दोनों बैठ के खाना खा रहे हैं ये लोग। और ये साइड जो है किचन है, और ऊपर का जो रूम है वो भी मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये सिटिंग एरिया है, ये एक रूम है ऋतिक का और ये एक रूम है हमारा। ये रूम हम लोगों ने लिया है क्योंकि मैं जो है गोप्रो कंटिन्यू लेके आऊँगा, लेके जाऊँगा, क्योंकि अंडर वाटर भी आज थोड़ा फोटो वगैरह होगा, वीडियो वगैरह होगा उसकी वजह से। और ये रही मेरी दृष्टि, तो फिलहाल अभी चलते हैं ऊपर, मैं आपको स्विमिंग पूल भी दिखा देता हूँ। आ जा मोटी, मेरे को फोटो भी चाहिए। हाँ फोटो भी मिल जाएगा। सेटिंग अरेंजमेंट भी हो चुका हम लोगों का, और ये हम लोगों का पूल क्लीन कर दिया। हाँ क्लीन नहीं, क्लीन अभी तक हुआ नहीं है, क्लीन अभी तक हुआ नहीं है, कब करेंगे। तो पुल जो है अभी तक क्लीन हुआ नहीं है, कोई बात नहीं, ऋतिक बाबा आ गए हैं। ये भाग रहा है, भाग रहा है,
ये लड़का मर्डर करके भाग रहा, देखो देखो कैसे भाग रहा, देखो। तो अभी जाता हूँ नीचे, हम लोग भी चेंज करते हैं और चेंज करके ऊपर आते हैं। विला हम लोग छोड़ रहे हैं, ये रहा ऋतिक, ये अभी गया था एक विला का जो है वो कीज लेके आया, क्योंकि मेरे हम लोगों का आज टोटल तीन विला बुक है और तीन विला में से एक विला ये था जो सबसे पहले मिला था। तो इस विला से हम लोग सिर्फ कपड़े लेके जा रहे हैं और इस विला में सिर्फ हेलमेट वगैरह रहेगा, तो पैसा ही पैसा है जी। और ऊपर से अभी हम लोग सब पैकिंग चल रहा है, हेलमेट लेके जाना है। अच्छा वो बोल रही है हेलमेट लेके जाएंगे, तो हम लोग अभी जा रहे हैं। और हम लोगों का जो नेक्स्ट विला जो है ना, वो विला काफी बड़ा है और उसका स्विमिंग पूल भी काफी बड़ा है, तो यहाँ से चलते हैं और आपको मैं वो विला दिखाता हूँ। और प्रिंस का हालत देखा क्या है, प्रिंस और ऋतिक का हालत देखो, ऋतिक अपना कपड़ा लेके जा रहा है और ये रहा प्रिंस विद बॉक्स, और ये रही हमारी छोटी हेलमेट रहने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग अभी निकलते हैं, मैं सीधा आपको नेक्स्ट दूसरे विला में मिलता हूँ। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, वो भी हमारा ही विला है, हम चाहे तो फिर से आ सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा बहुत अच्छा है, थोड़ा बड़ा है, तो इट्स मोर अट्रैक्टिव एंड द रीजन वी शिफ्टेड। सो अभी वी आर ऑन आवर वे, हम लोग बाइक से अभी जा रहे हैं, तो देखते हैं कि कैसा है विला, आपको दिखाते हैं, आप भी देखिएगा कि कैसा है हमारा विला। हम लोगों का विला, तो ये जो है दूसरा विला है, और ये दूसरा विला जो है अभी हम लोग दूसरे विले में पहुंच गए हैं। ये सोनाली जा रही है और ये प्रिंस और सोनाली का नीचे का रूम है, ये रहा नीचे का रूम, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया है ये रहा, और प्रिंस बाबू वॉशरूम में है और मैं भी ऊपर जा रहा हूँ ऊपर का। ये विला का जो स्विमिंग पूल है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा है और थोड़ा काफ़ी बढ़िया है, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है। तो ये जो स्विमिंग पूल है मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर ले जाकर, लेकिन पहले जो ऊपर में जो नीचे हम लोगों को नीचे का एक रूम था, ऊपर में दो रूम है, ऊपर में जो दो रूम मिले ना, वो दो रूम मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रूम एक ये है, तो ये रूम कुछ ऐसा है, और इस रूम का जो वॉशरूम है वो कुछ ऐसा है, ये बाथटब। और वैदिक जो लोग आते हैं उनको मालूम ही होगा, वैसे मैं बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन ब्लॉग पहली बार बना रहा हूँ। और ये रूम है, ये रूम शायद पता नहीं इस रूम में कोई और होगा, पता नहीं। और मैं आपको अब स्विमिंग पूल एरिया में लेके जाता हूँ, इस विला में जो स्विमिंग पूल थोड़ा डिफरेंट है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ पहले। ये रहा इस जगह का स्विमिंग पूल, तो ये काफ़ी बढ़िया है, और ये नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे डांस मत कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो है ओपन शावर है। एक और रूम था ना, वो रूम जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट में दिखा रहा हूँ। ऋतिक के बाद रूम खोलना, अबे मैं रूम खोल के दिखा दे, वो शर्मा रहा है एक्चुअली। ये है ये रूम, तो ये दूसरा रूम है, ये रूम भी काफ़ी बढ़िया है, इसका बालकनी भी काफ़ी बढ़िया है, तो कुछ ऐसा है, ठीक है। और इस रूम का जो वॉशरूम है वो भी अच्छा, ये रूम का वॉशरूम थोड़ा काफ़ी छोटा है कंपैरिजन टू अदर रूम्स, बट ये रहा। अभी वो शर्मा रहा था, टॉवल पहन के घूम रहा है। अभी मैं जा रहा हूँ हाँ पूल एरिया में, वहाँ पे जाके अब स्विमिंग पूल में उतरना है, अब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ पे बैठे 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 बोर हो रहे थे कब आएंगे सब, बट अब नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी जाए स्विमिंग पूल में उतरते हैं। तो ये रहा प्रिंस बाबू, तो स्विमिंग पूल कैसा है इधर का? ओह माय गॉड ओके, तो अभी जाते हैं और स्विमिंग पूल में थोड़ा एंजॉय करते हैं। स्विमिंग पूल में नहाने के बाद ना हम लोग जो सोए हैं ना, और अभी उठे हैं, और अभी पता टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 11, तो अभी हम लोग जाएंगे खाना खाएंगे नीचे, तो खाना खाने के बाद फिर वापस से स्विमिंग पूल में धमाल मस्ती होगा। तो सब लोग तो नीचे चले गए क्योंकि मेरे को बहुत देर से उठाया जा रहा था और मैं उठने का नाम नहीं लिया था, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा हल्का फुल्का हेडेक हो रहा था, इसीलिए मैं सोया हुआ था।
और अभी जाते हैं नीचे खाना खाते हैं, भूख भी बहुत जोरों की लगी हुई है, तो मैं नीचे चलता हूँ जाके खाना खाता हूँ और उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये देखो आवाज़ आ गया विक्रम दा, ये प्रिंस का आवाज़ था, देखो दोबारा। खाना खाके ऊपर आ चुके हैं और अब किसी को भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि स्विमिंग पूल में किसी को भी नहीं जाना है। मैं सोचा था कि थोड़ा मैं जाऊंगा तो सब जाएंगे, बट कोई जाने के लिए रेडी नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये तो पूरी टायर्ड है। जैसा प्यार दे रहे हो आप लोग वीडियो में वैसे ही देते रहना, और ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ 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 अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक किए हुए बिना मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और कुछ अच्छा लगे तो लाइक, कुछ बुरा लगे तो डिसलाइक, कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्या करते हैं अब, कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है? तो कल का ब्लॉग कल स्टार्ट होगा, तो अभी के लिए फ़िलहाल गुड नाइट बोल देते हैं, तो सबको गुड नाइट।